डोगरा में भी मवेशी मंडियों की रौनकें रूज पर हैं, जिसकी तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा 7 न्यूज मुदस्सिर अली। जी बिल्कुल, इधर कुरबान नज़दीक आंदे ही खानका डोगरा दे विच भी आरजी मवेशी मंडी सजा दी गई है, जिदे विच दूर दराज तो लियाए गए बकरे ने सोने सोने इत्थे इन्हां दा बच्चियां दी तवज्जो दा मरकज बने हुए ने। अगर इंतजामिया दे इंतजामात दे वाले नाल गल की जाए तो इंतजामात भी काफ़ी बेहतर किए गए हैं, सैनीटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा, उसके बाद करोना वैक्सीनेशन जिहड़े अहलकार ने खरीदार इत्थे आंदे ने उह ही सिर्फ अंदर दाखिल हो रहे हैं, इसके अलावा जिहड़े व्यापारी ने उन्हां दी करोना वैक्सीनेशन जिन्होंने लवाई है वह इत्थे आ के व्यापार कर रहे हैं। ये गल करते हैं, मेरे ना कोई शहरी मौजूद है, इन्होंने पूछते हैं कि जो बकरा मंडी के बकरे ने यह सस्ते ने या महंगे ने, की कहें बारे में की कहें जी बकरा महंगा है सस्ता है? कुरबानी के लिहाज ना जी जानवर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जी कीमत है बहुत ज़्यादा है, सोच तो भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्नी कीमत जी है हर बंदे की सोच तो बहुत दूर है। जी बिल्कुल, तुम शहरियों की गल तो सुनते पे हो, कहते पे ने बकरे तो बड़े बड़े इतने सोहने ने, खरीदार भी बड़ा दिल करता है क्योंकि सुनते इब्राहिमी अदा करनी है तो जाके बकरा भी लैके जाना, लेकिन ये बाल शिकवा करते भी नज़र आते पे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये जो बकरे ने इन्हों के रेट बड़े ज़्यादा ने। अगर व्यापारियों ना गल की जाए तो व्यापारियों का कहना कि भाई खर्चे बड़े ने, पिछों ही बकरे बड़े महंगे लैके आए हैं, की करिए बच्चों की रोजी रोटी भी कमानी है तो बेच के भी घर जाना, लेकिन शहरी जोड़े ने महंगाई का रोना। आपका शुक्रिया।